एनिमल बनी रणवीर की सबसे सफल फिल्म। बता दें कि अब यह फिल्म डोमेस्टिक और ग्लोबली रणवीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इससे पहले रणवीर के करियर की सबसे सफल फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी संजू थी। संजू ने वर्ल्ड वाइड 586 करोड़ रुपए और डोमेस्टिक 342 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म एनिमल ने 600 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन ही यह रिकॉर्ड बना लिया था। अब यह नॉर्थ अमेरिका में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 7वीं भारतीय फिल्म बन गई है। दूसरी तरफ एनिमल के साथ रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने अब तक 42.3 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। दूसरे शुक्रवार को इस फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ग्लोबली इस फिल्म का कलेक्शन 53.8 करोड़ रुपए का हो चुका है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 6.25 करोड़ रुपए कमाए थे। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल हर दिन नए पुराने रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रखा है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।